अज भी मेरे को नौकरी के तीन चार किसी इदा दे आए थे जिन्होंने पहला कि रिप्लेसमेंट रिकमेंड किया गया बट एग्जामिन करके मैं पता लग गया कि हजे उन्होंने जरूरत नहीं है रिप्लेसमेंट की तो अल्टरनेटिव जोड़े है ट्रीटमेंट वो यूज कर सकता है। तो सब तो पहले जो ऑस्टियो आर्थराइटिस होंदा नहीं दा होंदा कि जे कि टाइम के नाल जिद्दां ही एज बढ़दी आ तो सिर्फ अपने बाल चिट्टे नहीं होने या मुँह दी उपर झुड़ियां नहीं पैनियां तो शरीर पूरा बुढ़ा होंदा है सारे सिस्टम बुढ़े होंदे आ ठीक है जी खान पीन दा सिस्टम या पाचन शक्ति या जो भी सिस्टम जो भी पूरे अपना पूरा उस नाल बुढ़ापा हो गई इदा ही हड्डियां दा आ हड्डियां दे विच कमजोरी पै जाना गोडे मोटे घसन लग जाना तो ये कोई बीमारी नहीं है सिर्फ एजिंग प्रोसैस है तो इसनों कदे भी कोई डिजीज नहीं गिना आएगा एज रिलेटेड प्रोसैस है डीजनरेशन हो जाती है उस दिन तो ये कुछ स्टेजेस ने स्टार्टिंग स्टेज एक एनिमेटेड जो रखा हुआ कदम स्टार्टिंग स्टेज सिर्फ पेन होता नहीं तो वो आप कदे कदे पेन होया उठते बैठते पेन हो गया स्टार्ट हो गया जो गोडा फसना जिन्होंने आप कहने पंजाबी ना गोडा फसता है कदे कदे।